हमने वायु और जल के बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में मृदा यानी कि सॉइल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सभी को क्रिकेट फुटबॉल खेलना कितना पसंद है? ये सारे खेल आप कहां खेलते हैं? बाहर मैदान में। पर कभी आपने सोचा है कि मैदान की मिट्टी किन चीजों से और कैसे बनती है? अगर आप मिट्टी को गौर से देखो तो क्या दिखाई देता है? मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। क्या इसके अलावा और कुछ दिखाई देता है? नहीं, लेकिन छोटे पत्थरों के अलावा मिट्टी में सूक्ष्म जीव और पौधों और जानवरों का क्षय है, जिसको ह्यूमस बोला जाता है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ह्यूमस मिट्टी को झरझरा बनाता है। मिट्टी में रहते सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा? मिट्टी किन चीजों से बनी होती है? मिट्टी छोटे छोटे पत्थरों, ह्यूमस और सूक्ष्म जीवों के मिश्रण से बनी होती है। पर दोस्तों, ये छोटे पत्थर आते कहां से? जरा सोचो। चलो इसी के बारे में जानते हैं। आपने ऐसे बड़े पत्थर तो देखे ही होंगे। यही बड़े पत्थर छोटे पत्थर में टूट जाते हैं और मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े पत्थर टूटते कैसे हैं? सोचो। ये बड़े पत्थर सूर्य, पानी, हवा और जीव के प्रभाव से टूटते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दिन में सूर्य की गर्मी से बड़े पत्थर गर्म होकर फूल जाते हैं और रात को ठंडे होने के बाद सिकुड़ जाते हैं। लगातार फूलने और सिकुड़ने के कारण पत्थरों में दरार पड़ जाती है और धीरे धीरे यही दरार बड़ी हो जाती है और पत्थर टूट जाते हैं। कई बार इसी दरार में पानी भर जाता है। तापमान कम होने के कारण ये बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जिससे दरार और बड़ी हो जाती है और पत्थर टूट जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये बहता हुआ पानी भी पत्थरों को तोड़ सकता है? सोचो जरा। जी हां, बहता हुआ पानी अपने साथ छोटे पत्थर बहा लेता है और यही पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराते हैं तो उसे भी तोड़ देते हैं और अपने साथ बहा ले जाते हैं। पानी के जैसे हवा भी छोटे कण को उड़ाकर कहीं और गिरा देती है, उससे भी मिट्टी बनती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीवित अंगों की वजह से भी पत्थर टूटते हैं। पर यह कैसे होता है? सोचो जरा। आपने बड़े पत्थर में ऐसे हरे रंग की चादर लगी देखी होगी। दरअसल इसे काई बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीव है। ये काई पत्थरों में ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे पत्थर टूटने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े पत्थर के नजदीक अगर कोई बड़ा पेड़ हो तो पेड़ की जड़ पत्थर में पहले से बनी दरार में अंदर घुस जाती है। तो इससे क्या होता होगा, आप ही बताओ। पेड़ की जड़ की वजह से पत्थर टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। तो आपने देखा कैसे सूर्य, जल, हवा और सूक्ष्म जीव के प्रभाव से बड़े पत्थर टूटते हैं और छोटे पत्थरों से मिट्टी को बनाते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास की मिट्टी को देखकर क्या बता सकते हैं कि कितने दिन में वो बनी होगी? दिन नहीं, बल्कि सालों लग जाते हैं मिट्टी की एक पतली परत बनने में। मिट्टी के बारीक कणों को बहते पानी या हवा अपने साथ ले जा सकती है और कहीं भी जमा कर सकती है। और अगर एक जगह से सारी मिट्टी उड़ा ले गई तो आप बता सकते हैं क्या होगा? नीचे की चट्टान परत उजागर होगी और हम एक मूल्यवान संसाधन को खो देंगे, क्योंकि उस चट्टानी परत में बहुत कम पौधे होंगे। दोस्तों, इसे ही बोला जाता है मृदा अपरदन यानी सॉयल इरोजन। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है पेड़ों का कटना। पर क्या आप बता सकते हैं कि कैसे? आइए जानते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं और उसे धुलने से बचाती हैं। और अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी को कसकर पकड़ने के लिए कोई जड़ नहीं होगी और वो धुल जाएगा। तो देखा आपने,
कैसे पेड़ मिट्टी का संरक्षण करते हैं। दोस्तों, मिट्टी बहुत उपयोगी है। पेड़ को मिट्टी से पोषण मिलता है, वही पोषण जानवर और मानव के शरीर में आता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का घर भी इसी मिट्टी में होता है। पर क्या होगा अगर ये मिट्टी प्रदूषित होने लगे? भूमि प्रदूषण की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, जैसे फसलों की कम उपज, हानिकारक रोग जैसे कि कैंसर। मृदा कैसे प्रदूषित हो रही है क्या आपको पता है? भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण है पेड़ों का कटना, खेतों में पीड़क नाशक और उर्वरकों का उपयोग करना। क्या इसे रोका जा सकता है? जी हाँ, भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है। पर कैसे, आइए जानते हैं। उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग करके, भूमि में मोटर तेल को ढेर न करके, जैव निम्नीकरणीय उत्पादों का उपयोग करके और बिना कीटनाशकों के उगाए गए जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करके मिट्टी के प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस वीडियो में आप सबने क्या देखा? मृदा, मिट्टी का महत्व, भूमि प्रदूषण। अगले वीडियो में हम जैव रासायनिक चक्रण का अध्ययन करेंगे।